यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में शिक्षक दिवस के मौके पर शहर के विभिन्न स्कूलों में अनेकविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपने शिक्षकों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए उन्हें शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं पेश की। स्कूलों में स्वयं शासन के तहत स्कूली विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कक्षाओं को पाठ पढ़ाकर शिक्षक की भूमिका निभाई। कई स्कूलों में विद्यार्थियों ने हिंदी, मराठी और अंग्रेजी भाषा में व्याख्यान तथा गीत प्रस्तुत कर अपने शिक्षकों के प्रति अपना लगाव और आदर पेश किया। कुल मिलाकर शहर भर के स्कूलों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए गए शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का हासिल यह रहा कि उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर विद्यार्थियों को शिक्षक की जिम्मेदारियों और समाज के उत्थान में शिक्षकों के अहम किरदार का महत्व बखूबी तरीके से समझाया। आप जो ना होते जाने हम क्या होते, अंधियारों में गुमान होते, आपने ही हमको जीना सिखाया, क्या भला क्या है बुरा आपने बताया, क्या भला क्या है बुरा आपने बताया। सर्वपल्ली राधाकृष्ण यांचा जन्म 5 सप्टेंबर 1888 झालेला आहे। ते एक महान तत्वज्ञानी होते, राजकारणी होते, शिक्षक होते, तसेच ते सोव्हिएत युनियनमध्ये राजदूत म्हणून राहिलेले आहे। तसेच बनारस हिंदू विश्वविद्यालयाचे ते चौथे कुलगुरुसुद्धा। मिसन न्यूज के लिए दिग्गज से जुबैर खान की रिपोर्ट।